राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो हम सबके पास में गूगल मैप होता है। अगर गूगल मैप रास्ते के साथ साथ में हमें जीवन की सच्चाई भी बताने लग जाए तो आज की कहानी कुछ इसी तरीके से है कि गूगल मैप आपको एक जीवन की बहुत सुंदर चीज समझा के जाएगा। कहानी जरूर सुनिए क्योंकि कहानी सुनकर हमारा मार्गदर्शन होता है। तो कहानी शुरू करें। तो कहानी शुरू करते हैं। चलो आज एक बात ही सही, एक ऐसी ही बात, हम सब गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं। अब हम जहाँ जाते हैं वहाँ का मैप लगा देते हैं और गलती से हमने अगर लेफ्ट टर्न ले लिया तो क्या गूगल मैप हमें डांटने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें अकल नहीं है, या तुम्हें आता नहीं है, या तुम्हें समझ नहीं आता, या तुम्हारी किस्मत ही खराब है, या फिर इस तरह की बातें। वो क्या करता है, हमें कहता है सीधा जाओ, यू टर्न लो और फिर अपने रास्ते पे चलने लग जाओ, नो ड्रामा। या फिर हम उस वक्त गूगल मैप को एक्सप्लेन नहीं करने लग जाते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर मैं दूसरों की गाड़ी देखकर प्रभावित हो गया और लेफ्ट ले लिया, अरे मुझे तो ये सब टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आती, या इस तरह की बातें। बल्कि हम गूगल मैप की बात सुनते हैं, आगे जाते हैं, यू टर्न लेते हैं और सीधा अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच जाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये सिर्फ ड्रामा क्यों, जो अगर हमसे गलती हुई है और हमने अपने प्रियजनों को बताया है तो वो हमें नीचा दिखाने क्यों लग जाते हैं, बुरे शब्द क्यों कहने लग जाते हैं, हमें ये क्यों बताने लग जाते हैं कि हम इस तरह की बातें जो लोग करते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है और तुम दोबारा वो गलती मत करने बैठ जाना, इस तरह की बातें आपका मनोबल तोड़ती हैं, किसी का भी मनोबल तोड़ती हैं। अगर गूगल मैप सच में इस तरह की बातें कहने लग जाए तो आप गूगल मैप को डाउनलोड ही नहीं करोगे, चाहे वो आपको रास्ता दिखाती है सही, नहीं करोगे। तो सोचिए हम अपने प्रियजनों को या जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे इस तरह की बातें करते हैं, उनके साथ क्या होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरह की बातें सुनते हो और समझते हो कि वो नहीं समझ पाएंगे तो हम अपनी दूरियां बना लेते हैं, हम उन्हें सारी बातें नहीं बताते हैं, हम दूरियां बना लेते हैं, ये मुझे लगता है। खैर मुझे लगता है कि इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि आप उन लोगों के साथ ना रहें जो आपको नीचा दिखाएं, बुरे शब्द कहें, आपकी गलतियों पर आपको डांटें, फटकारें या इस तरह की चीज़ें करें, बल्कि जो लोग आपको स्नेह दें, अच्छी बात कहें, अच्छी बात समझाएं, उनके साथ रहें, उनके साथ समय बिताएं। और जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हम जिंदगी भर करते हैं, चाहे हम छोटे बच्चे हों तब भी गलती करते थे और बड़े भी हो जाएंगे तब भी हम गलती करेंगे, लेकिन हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं। आप क्या कहते हैं? आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा विचार एक कहानी के रूप में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।